मैम TS 51 की कट ऑफ कब आएगी? हमें अकॉर्डिंगली SSB प्रिपरेशन करनी है. हमारी JEE रैंक्स इतनी है, क्या हमें SSB प्रिपरेशन करनी चाहिए? हाई कैंडिडेट्स, दिस इज कविता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट ट्रैकर्स. और मुझे पता है ये सारे डाउट्स आ रहे हैं, इसलिए मैंने उसे सबसे पहले एड्रेस करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करा है, ताकि आप सबको बता दूं कि आप सबके सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूं, कि आपकी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, कैसे आपको SSB प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अपनी कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करके. ऑल्टरनेट रास्ता क्या होगा कि अगर इस बार नहीं तो क्या नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप्स, और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि TS 51 की कट ऑफ कब आएगी. स्टार्ट करते हैं TS 51 की कट ऑफ से. तो कैंडिडेट्स, अगर आप टाइम फ्रेम देखें तो दिस इज द राइट टाइम, कट ऑफ इसी टाइम आती है. अगर आप पास्ट ईयर्स की भी हिस्ट्री उठा के देख ले तो आप देखेंगे कि कट ऑफ हमेशा दिसंबर में रिलीज हुई है. हाउ एवर, कुछ डीले हो सकते हैं वर्क के इश्यू से रिलेटेड, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपकी कट ऑफ डेफिनेटली रिलीज हो जाएगी. एंड जल्दी ही मैं आपको अपडेट करूंगी इस पे लेके, जैसे ही कट ऑफ आती है. एंड यही जो है वो एक्यूरेट मंथ है कट ऑफ रिलीज होने का. हर बार जो अगर आप हिस्ट्री देखें तो इसी मंथ में कट ऑफ रिलीज हुई है. एंड ऑल्सो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, दैट दिस इज द लास्ट टाइम जब कट ऑफ सिर्फ आपके JEE मेन्स में काउंट होगी. अगली बार से जो कट ऑफ का इंपॉर्टेंस है, JEE मेन्स का जो इंपॉर्टेंट है, वो आपके रिकमेंडेशन पे भी हाईलाइट होगा. यानी TS 52 से जो एंट्रीज होंगी उसमें आपके रिकमेंडेशन में भी JEE मेन्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा. सो जो भी कैंडिडेट्स इस बार जा रहे हैं, मेक श्योर यू गिव योर 100%, बिकॉज अगली बार से डेफिनेटली कॉम्पिटिशन और टफ होने वाला है. वापस आते हैं कट ऑफ पे. तो कट ऑफ इसी मंथ रिलीज होगी. नेक्स्ट मंथ से आपके SSBs स्टार्ट होंगे, डेट सिलेक्शन लिंक एक्टिव होगा और आपके SSB सेंटर्स की अलॉटमेंट होगी. तो जैसे ही कट ऑफ आती है मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगी. अगर आपको अपडेट चाहिए, जिन कैंडिडेट्स ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको तो नहीं कहूंगी, बट जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब कर रखा आप जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती है. एक और तरीका है, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल एंड गवर्नमेंट ऐप, क्योंकि जैसे ही कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है मैं इमीडिएटली आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देती हूँ, और गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पे भी नोटिफिकेशन जाती है. तो ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी. तो जैसे जो भी अपडेट्स आएंगी हर एंट्री से रिलेटेड, वो आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएगी, और TS 51 की भी सारी अपडेट्स वहां पे जाएंगी, चाहे वो कट ऑफ हो चाहे वो SSB डेट्स हो. तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है. जैसे ही कट ऑफ आएगी, चाहे लेट नाइट आए, मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगी. ठीक है, आते हैं अब कि आपको SSB प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितनी जाएगी हमारी कट ऑफ. तो बच्चों, मैं आपको हमेशा बता दूं कि फर्स्ट, और दो चीज़ें बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जो आपका TS 51 है ये साल में दो बार होता है. जब फर्स्ट हाफ ईयर में होता है तो उस टाइम एप्लीकेशन नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे 12th क्लास से जस्ट आउट होते हैं और उन्हें एक करियर ऑप्शन चाहिए होता है. तो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि JEE मेन्स अब एक क्राइटेरिया हो गया है, तो जो बच्चे इंजीनियरिंग का JEE एग्जामिनेशंस भी देते हैं वो भी अप्लाई करते हैं इसके लिए, बिकॉज दिस इज अ करियर ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ देम. तो ऐसा भी होता है कि उनका इंटरेस्ट डिफेंस में नहीं है, मगर दे अप्लाई, दे माइट क्लियर SSB ऑल्सो एंड दे गेट रिकमेंडेड. ठीक है, तो वो एक करियर ऑप्शन के लिए उसे अप्लाई करते हैं. तो बहुत ज़्यादा रश होता है. बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से आपको ये पता है कि जहाँ पे ज़्यादा डिमांड होगी वहाँ पे जो सप्लाई है वो थोड़ा सा लो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड प्राइस हाई हो जाएगा. ये तो कॉमन फिलोसफी है हर जगह, जो हम मार्केट में भी देखते हैं. सिमिलर मैनर TES में भी जो फर्स्ट हाफ ईयर होता है वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाती है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो इतने ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन जब हम ईयर एंड में आते हैं, यानी इस टाइम फ्रेम में जो कि आपका नवंबर दिसंबर का पीरियड भी होता है, इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सेटल हो चुके होते हैं, क्योंकि वो प्योरली डिफेंस एस्पिरेंट्स नहीं होते. उन्होंने बस एक ऑल्टरनेटिव वे में डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया होता है. आइदर उन्होंने किसी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया होता है या उन्होंने अपना सूटेबल करियर पाथ चूज कर लिया होता है. तो इस वजह से उनके एप्लीकेशन आपको इसमें नहीं मिलेंगे. तो उसका एक ये एडवांटेज आपको मिलता है जो सेकेंड टाइम कट ऑफ जाती है.
उसमें आपको थोड़ी सी लीनियंसी मिल सकती है कट ऑफ के टर्म्स में, तो जो कट ऑफ है वो थोड़ी रिलैक्सिंग हो सकती है. तो आप देखेंगे जो टीएस फर्स्ट ईयर की कट ऑफ होती है वो काफी हाई रहती है और इसलिए बहुत कम बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं, मगर सेकेंड वाले में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलने की वजह से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है. नाउ बहुत ज्यादा तो मैं डेफिनेटली नहीं बोल सकती, लेकिन जैसे टीएस 50 में हमने देखा जो कट ऑफ थी वो गई थी 2.5 लाख के आसपास, जो कि बहुत ज्यादा कम थी. सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो थी वो गई थी इस बार के लिए जेई मेंस के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा इससे कम कट ऑफ कभी नहीं गई है. एंड इसमें मैं बहुत ज्यादा तो वेरिएशन नहीं मानूंगी, मगर फिर भी अगर आपकी रैंक 3.5 लाख के नीचे है, 3,50,000 के नीचे अगर आपकी रैंक है, तो मैं स्टिल बोलूंगी कि आपके पास एक उम्मीद है, आप उम्मीद मत छोड़िए, अपनी प्रेपरेशन करिए. इतने बच्चे आप अपनी SSB प्रिपरेशन कर सकते हैं. अब मैं क्यों बोलती हूँ, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि मैम आप हमेशा प्रिपरेशन के लिए बोलते हो, हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो बच्चों देखो, कट ऑफ तो आ जाएगी, कट ऑफ आने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए होंगे, सेलेक्ट हुए होंगे, तो आपसे कोई आपका SSB अपॉर्चुनिटी नहीं छीन लेता. यू हैव टू बी रिलैक्स्ड. मैं आपको सिर्फ और सिर्फ राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के, और इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, प्लस अगर आपने मैं हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी. बट मैं आपको ये समझाना चाह रही कि इतना शॉर्ट टाइम नहीं होता है कि कट ऑफ आएगी निकल जाएगी और आपको नहीं पता चलेगा. डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कट ऑफ आउट हो चुकी है, और अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी ईमेल नोटिफिकेशन एंड आपके मोबाइल पर टेक्स्ट आ जाएगा. तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है. मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ कि अगर आप सुटेबल कैंडिडेट हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम है ना बच्चों, उसको अपनी SSB प्रिपरेशन पे लगाइए. क्योंकि ऐसे परेशान होने से, टाइम वेस्ट करने से, अगर आपकी SSB कॉल मान लीजिए आ जाती है और आपको एक हफ्ते में SSB प्रिपेयर के लिए आपको रिपोर्ट करना होता है, टेल मी वन थिंग, आप खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या आप SSB प्रिपरेशन के लिए उस सेंटर में जाने के लिए तैयार हैं, क्या आप रिकमेंड हो जाएंगे. आप अपने आप से सवाल पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा. तो ओनली माई थिंग इज कि जब तक वो कॉल आती है, जब तक वो प्रोसेस चलता है, इस टाइम को यूटिलाइज करें, SSB की प्रिपरेशन करें, और अपने आप को इतना काबिल बना लें कि जैसे ही SSB की कॉल आए, एटलीस्ट आपका प्रिपरेशन खत्म हो चुका हो और आपको सिर्फ अपना रिविजन ऑन करना हो, जिससे आपको एक एडिशनल कॉन्फिडेंस एंड एडवांटेज मिले. ठीक है, तो इसलिए मेरी हमेशा फोकस रहेगा कि आप अपनी SSB प्रिपरेशंस कंटिन्यू करते रहें. और SSB प्रिपरेशंस के लिए भी मैं नहीं कहूंगी कि आपको अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ेगा, जो कोई पहले होता था, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते थे, सिलेक्शन सेंटर्स होते थे, जहां पे बच्चे गाइडेंस ले सकते थे. आजकल तो मोस्ट ऑफ द गाइडेंस आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिलेगा. इसके अलावा एक प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है वो ओनली आती है कि उनको एक पर्सनल मेंटर, पर्सनल कोच नहीं मिलता. क्योंकि अगर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी जाते हैं, वहाँ पे एक तो प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो हाई फीस होती है, दूसरा बैचेस इतने ज़्यादा होते हैं कि 1-to-1 मेंटरिंग नहीं हो पाती है. तो 1-to-1 मेंटरिंग, लो फीस, अपने घर से प्रिपरेशन, ये सब बहुत ईजिली हो सकता है. और मैं ऐसे ही एक प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना. अगर आपको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए, आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी हो, और क्योंकि मैंने इतने सारे बच्चों को ट्रेन किया है, मैं खुद भी रिकमेंडेड रही हूँ, तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो डेफिनेटली आपके SSB प्रिपरेशन में हेल्प ही करने वाली है. और मेरे प्रीवियस रिजल्ट्स, प्रीवियस बैचेस के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, वो बहुत अच्छे रहे हैं. तो जो भी गाइडेंस मैं आपसे दे सकूंगी वो मैं डेफिनेटली दूंगी. और इस तरह की 1-to-1 मेंटरिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी. आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट आंसर्स, डाउट्स, क्लैरिफिकेशंस, सिलेक्शन सेंटर में जब आप होते हैं उस टाइम पे जो सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, आप कॉल करके बात कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे साथ बात कर सकते हैं. तो ये सारे फैसिलिटीज उस कोर्स में अवेलेबल है, अपार्ट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल जो आपको उसमें मिलता है. और स्टडी मटेरियल बहुत स्पेसिफिक, बहुत फोकस्ड होता है. तो मेरा हमेशा ये एम रहा है कि आप लिमिटेड पढ़े, कम पढ़े, मगर उस कम पढ़ाई में भी आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि आपके कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए. आपको सिलेक्शन सेंटर के सारे प्रोसेस क्लियर हो जाने चाहिए, सारे टेस्ट क्लियर हो जाने चाहिए, और जो स्ट्रैटेजी फ्रेम है वो हो जानी चाहिए. तो मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि लिमिटेड रिसोर्स बट विथ मैक्सिमम रिविजन इज द ओनली की.
और एसएसबी प्रिपरेशन मोर ओवर आपको खुद से ही प्रिपेयर करनी होती है। जितना ज़्यादा आप खुद को जानेंगे, अपने सराउंडिंग्स को जानेंगे और अपने से क्वेश्चन करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी स्किल्स इन्हांस होंगी एसएसबी प्रिपरेशन के लिए। तो इसलिए मेरा हमेशा फोकस रहता है कि परेशान मत होइए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगी। कट ऑफ के लिए मैंने बोला, जो कि जो भी बच्चे हैं 3.5 लाख के नीचे अगर आपकी कट ऑफ है तो प्लीज़ एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बाकियों के लिए मैं अपकमिंग वीडियो अब नेक्स्ट सेशन में डालूंगी कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप अगली एसएसबी के प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हाँ, जेई मेंस के एग्जामिनेशन को दीजिए ताकि आपकी रैंक इंप्रूव हो अगर आपकी एज है, सो दैट आपके चांसेस जो हैं वो हो जाए। अदरवाइज यू शुड प्रिपेयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन इज द ओनली सोल्यूशन। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन जय हिंद।